नेपाल टीम का स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, 17 सदस्य खिलाड़ी का ऐलान कर दिया गया, जो कि 17 सदस्य खिलाड़ी पाकिस्तान जाएंगे एशिया कप खेलने के लिए, जो कि इंडिया पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, जो इंडिया पाकिस्तान से नेपाल टीम दो मैच खेलेगा। अगर नेपाल टीम और दूसरा मैच खेलने आगे बढ़ना है तो इंडिया पाकिस्तान में किसी न किसी को हराना है, तभी जाकर नेपाल टीम एशिया कप में सुपर फोर में तभी जाकर नेपाल टीम पहुंचेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या जो नेपाल टीम का 16 सदस्य खिलाड़ी का ऐलान किया गया, क्या यह बेस्ट ऐलान किया गया है और कोई खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही बेस्ट खिलाड़ी थे, यही बेस्ट खिलाड़ी को ऐलान किया गया है नेपाल के बोर्ड की तरफ से, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात और है, सबसे बड़ी बात, जो नेपाल टीम 15 दिन पहले पाकिस्तान जाने वाला था, लेकिन अब वो 15 दिन पहले नेपाल टीम नहीं जाएगा, एक हफ्ता पहले नेपाल टीम पाकिस्तान में जाएगा तैयारी करने के लिए एशिया कप के लिए। चलिए वीडियो में टॉपिक में आते हैं। मेरा नाम है सलमान। गाइस आप लोग कैसे हो, आप लोग सब ठीक ठाक होंगे? सलाम अलैकुम, नमस्कार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जो नेपाल टीम का स्क्वाड का ऐलान किया गया, सदस्य खिलाड़ी का ऐलान किया गया है, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो कि इन खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, इन खिलाड़ी को बाहर कर देना चाहिए। मैं पहले वीडियो बनाया था, मैं भी पहले आप बताया था कि आसिफ शेख को, कुशल बोर्टेल को, ये लोग को बाहर कर देना चाहिए, कोई नया खिलाड़ी को लाना चाहिए। हम जाएज हम बात कर सकते, आप बात कर सकते हो, लेकिन ये नेपाल के बोर्ड को नहीं समझ में आता है, ना रोहित पौड़े को समझ में आता है, ना मोंटी देसाई को समझ में आता है, इसलिए समझ में नहीं आता जो खिलाड़ी को मोंटी देसाई, रोहित पौड़े, नेपाल के बोर्ड ने बनाया हुआ है, 2 से 3 साल में लगातार खिलाया हुआ, उनको कैसे एशिया कप में इतना बड़ा इवेंट में बाहर कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, बाहर ही नहीं कर सकते। आसिफ शेख को कुछ में बैठा दिए थे, उसके बाद खिलाए, उसके बाद कुशल बोर्डते लोग कुछ में बैठा दिए थे, बाद में खिलाए ना। तो जो खिलाड़ी लोग को मौका दिया गया है, जो मिडल ऑर्डर से लेके टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर से लेके या बॉलिंग के साइड में देख लो या स्पिन के साइड में देख लो, जिस हिसाब से ऐलान किया गया, अगर देखा जाए तो शानदार ऐलान किया गया, क्योंकि नेपाल टीम के पास कोई विकल्प नहीं, नेपाल टीम के पास और कोई रीजन नहीं, नेपाल टीम में ना और कोई खिलाड़ी नहीं है, हमारे जो नेपाल के टीम के पास, हमारे नेपाल के पास ज़्यादा टीम नहीं है, या 4-5 टीम है या 10 टीम है, तो चलो ठीक है, पूरा टीम को हटा के कोई नया खिलाड़ी को शामिल कर दो, नहीं, जो इस खिलाड़ी को बनाया गया है, जिस खिलाड़ी को रेगुलर खिलाया गया, उन्हीं खिलाड़ी को मौका दिया गया है। आसिफ शेख ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे, कुशल बोर्डते ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, अर्जुन सौद को भी शामिल किया गया है, ये लोग खेलते हुए दिखाई देंगे, रोहित पौड़े खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, भीम सारकी वो भी खेलते आपको दिखाई देंगे, आसिफ शेख भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, कुशल मल्ला आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, दीपेंद्र सिंह बेदी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, संदीप लामेछानी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, गुलशन झा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, ललित राजपंत जी खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, प्रदीप जीसी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, सोमबाल कामिल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, करण केसी खेलते हुए दिखाई देंगे, ये लोग खिलाड़ी खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, 100% खेलते हुए दिखाई देंगे। तो उन्हीं खिलाड़ी को शामिल किया गया है, और कौन नया खिलाड़ी शामिल किया गया है, संदीप जोशी को शामिल किया गया है, उनको मौका मिलेगा नहीं मौका मिलेगा कोई मालूम नहीं है, कोई पता नहीं है इनको मौका मिलेगा नहीं मौका मिलेगा, लेकिन जो खिलाड़ी को शामिल किया गया, अगर हम टॉप ऑर्डर से बात करें, टॉप ऑर्डर में किन किन को शामिल किया गया, टॉप ऑर्डर में अगर आप देखो तो टॉप ऑर्डर में कुशल बुर्तेल हैं, आसिफ शेख हैं, अर्जुन सौत हैं, रोहित पौड़ेल हैं, भीम सारकी हैं, ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो गए, एक टॉप ऑर्डर में शामिल किया गया है। तो आउट टॉप ऑर्डर नेपाल के पास कौन है? देव खलाल थे, देव खलाल को बाहर कर दिया गया, देव खलाल को नहीं रखा गया, उसके पास 5 ही टॉप ऑर्डर है ना, 5 ही टॉप ऑर्डर को आप शामिल कर सकते हो, जैसे उसमें से खेलने वाले खाली टॉप ऑर्डर में देखा जाए तो आसिफ शेख कुशल बुर्तेल खेलेंगे, नंबर 3 पे भीम सारकी आएंगे, नंबर 4 पे रोहित पौड़ेल आएंगे, ये तो टॉप ऑर्डर में सही है, टॉप ऑर्डर में जब जबरदस्त भी टॉप ऑर्डर से रन बनाना पड़े तभी जाकर नेपाल इंडिया पाकिस्तान को हरा सकता है टॉप ऑर्डर। अब मिडल ऑर्डर में देख लो, मिडल ऑर्डर भी नेपाल टीम में जिस हिसाब से ऑर्डर ऐलान किया गया, जबरदस्त ऐलान किया गया, बैलेंस टीम है, हम बोलेंगे बैलेंस टीम नहीं है तो कोई फायदा नहीं, हम लोग बोलेंगे कोई फायदा नहीं है, हम कितना ही बात करें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोहित पौड़ेल, मोंटी देसाई नेपाल का बोर्ड डिसाइड करके ही ऐलान करते हैं खिलाड़ी लोग का, और कोई खिलाड़ी है आपके नज़र में? देव खलाल को नहीं शामिल किया, चोट दुख लगा कि देव खलाल को शामिल नहीं किया गया, उनको शामिल नहीं किया गया इस टीम में, उनको नहीं मौका दिया गया, सरोज को मौका नहीं दिया गया, वो उनको मौका नहीं दिया गया, उनको जब मौका मिला सरोज को तो अपना अच्छा कर पाए या परफॉर्म अच्छा कर पाए, नहीं अच्छा कर पाए ना तो उनको बाहर कर दिया गया, संदीप जोशी को उनके जगह पे डाल दिया गया। अगर मिडल ऑर्डर में देखा जाए नेपाल का तो दीपेंद्र सिंह बेदी हैं, गुलशन झा हैं, आरिफ शेख हैं, कुशल मल्ला हैं, ये मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हो गए, मिडल ऑर्डर में देखा जाए तो जबरदस्त बैट्समैन है, क्योंकि मिडल ऑर्डर से रन बनाना पड़ेगा तभी जाकर नेपाल टीम मैच में जीत पाएगा, तभी तो मैच में अच्छा कर पाएगा। लोअर ऑर्डर में संदीप लामेछाने हैं, करण केसी हैं, सोमबाल कामिल हैं, प्रदीप जीसी हैं, ललित राजपंछी हैं, संदीप जोशी हैं, ये लोग हैं नेपाल का बोर्ड, ये लोग मिलके रोहित पौड़ेल,
मोन्टी साहब मिलकर ऐलान किए हैं 17 सदस्य खिलाड़ी का, तो जबरदस्त ऐलान किए हैं। नेपाल टीम के पास कोई विकल्प नहीं, नेपाल टीम पास और कोई रीजन नहीं है या कोई और रीजन हम लोग दे सकते हैं कि किन खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया, क्योंकि यही खिलाड़ी लोग को 2 से 3 साल से 1 साल से 1.5 साल से रेगुलर खिलाया गया है, तो कैसे बाहर कर सकते हैं? नहीं बाहर कर सकते। आप बोलते हो कि आयुष को बाहर कर देते, कहाँ बाहर किए? कुशल बोर्तेल को बाहर कर देंगे, कहाँ बाहर किए? नहीं बाहर किए, नहीं बाहर होंगे ये लोग। अब एशिया कप में क्या करेंगे, क्या खेलेंगे, कैसा करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कौन कौन खिलाड़ी बाहर हो सकता है, टीम से ड्रॉप हो सकता है, उसके बाद आपको मालूम चलेगा। फिर अभी बोलो कि कोई नया खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में डाल दें, लोअर ऑर्डर में नया खिलाड़ी को डाल दें या मिड ऑर्डर में नया खिलाड़ी को डाल दें, तो ऐसा गलती नेपाल कभी नहीं करने वाला। इतना बड़ा इवेंट में नेपाल टीम बहुत बड़ा चेंज नहीं कर सकता है, उलट फेर नहीं कर सकता है, कोई नया खिलाड़ी को शामिल नहीं कर सकता है। सडनली 4-5 खिलाड़ी नया खिलाड़ी को शामिल कर दे, नहीं शामिल कर सकता है, नहीं समझ कि पवन शराब को बाहर कर दिए ना, देव खरार को बाहर कर दिए ना, ये 2 खिलाड़ी तो बाहर ही कर दिए। 11 मल्ला तो ऑलरेडी रिटायर हो गए थे, अगर 11 मल्ला होते हैं तो आप देखते संदीप जोशी आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देते। 11 मल्ला अगर होते तो संदीप जोशी जो खेल रहे आज उनको मौका मिला और 11 मल्ला के जगह पर उनको मौका मिला। तो नेपाल टीम का जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है सब मिला जुला के देखा जाए तो जबरदस्त ऐलान किया गया है, शानदार ऐलान किया, बैलेंस टीम है और कोई रीजन नहीं है। हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि किस रीजन से किन खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया, कोई पता नहीं, कोई जवाब नहीं दिया गया, उधर से कोई जवाब नहीं आया कि देव खराब क्यों बाहर कर दिया गया, पवन शराब को क्यों बाहर कर दिया गया, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हम सोच रहे थे कुछ नया खिलाड़ी को मौका मिलेगा, कुछ नया खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे एशिया कप में। लेकिन जो सोच हमारा सोच, आपका सोच, जो नेपाल का बोर्ड का सोच, रोहित पंडित साई का जो सोच है वो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हम जैसा सोचते हैं वो लोग वैसा नहीं सोचते हैं, वो लोग फोकस करते हैं जिस खिलाड़ी को रेगुलर मौका दिया गया, जिस खिलाड़ी को हम रेगुलर खिलाया गया उन्हीं खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। लेकिन देखा जाए तो सही भी बात है यार, जिन खिलाड़ी को रेगुलर खिलाया गया है क्योंकि वो एशिया कप के साइकिल में वो लोग थे, वो लोग नेपाल को उतना ऊपर लेके आए, नेपाल को एशिया कप में क्वालिफाई कराए तो डिजर्व कर रहे थे एशिया कप खेलना। अब सैलरी कोई नया खिलाड़ी को डाल देंगे, कोई पुराने खिलाड़ी को बाहर कर देंगे तो क्या होगा, दिल में दुख लग जाता है और डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए कोई नया खिलाड़ी को मौका नहीं दिया गया। लेकिन मेरे से पूछा जाए, जिस हिसाब से ऐलान किया गया शानदार ऐलान किया गया, स्क्वाड का बैलेंस स्क्वाड है नेपाल टीम का, इसमें कुछ अच्छा कर सकते थे, जैसे देव खलाड़ को डाल सकते थे, पवन शराब को डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाले, मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन जो खिलाड़ी को मौका दिया गया, जिस खिलाड़ी को सेलेक्ट किया गया 17 सदस्य खिलाड़ी को, तो बहुत सही है, हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के सामने जाकर नेपाल टीम अच्छा करे। जो कि एक हफ्ता पहले नेपाल टीम पाकिस्तान में जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, तैयारी करेगा, अभ्यास करके, भाई ये नहीं मालूम कि नेपाल टीम किन खिलाड़ी के साथ अभ्यास करेगा, पाकिस्तान के मेन टीम के साथ अभ्यास करेगा, शायद उनके साथ नहीं करेगा। क्या उनका जो क्लब टीम होता है क्लब टीम के साथ अभ्यास करेगा, वो भी मालूम नहीं है। क्या उधर जो लोकल का टीम के साथ अभ्यास करेगा, वो भी मालूम नहीं है। जब नेपाल टीम एक हफ्ता पहले जाएगा तब मालूम चलेगा नेपाल टीम किसके साथ अभ्यास करने के लिए पाकिस्तान एक हफ्ता पहले गया है, किन के साथ खेलेगा। अब नेपाल टीम को अगर एशिया कप में अच्छा करना है तो हमारा टॉप ऑर्डर जो है, जिन खिलाड़ी को टॉप ऑर्डर में शामिल किया उनको जिम्मेदारी से बैटिंग करना पड़ेगा, लोअर ऑर्डर से जिम्मेदारी से बैटिंग करना पड़ेगा, फील्डिंग से अच्छा करना पड़ेगा। फील्डिंग से अगर आप कैच छोड़ दिए तो आप समझो मैच हार जाओगे। अब अच्छा कैच पकड़ो, जो ना होने वाला कैच है उसको भी कैच पकड़ो, बैटिंग से शानदार करो, बैटिंग में आप खड़े होकर रन बनाओ, बैटिंग में आप टैम दो, क्रीज में टैम दोगे तभी जाके आप मैच जीत पाओगे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ। हमारे कुशल बोर्तेल को थोड़ा टैम देना पड़ेगा, आरिफ शेख को क्रीज में टैम देना पड़ेगा, रोहित पौड़े को क्रीज में टैम देना पड़ेगा, जो संदीप लामेछाई क्रीज में टैम देते हैं, भीम सारकी को क्रीज में टैम देना पड़ेगा, कुशल मल्ला को क्रीज में टैम देना पड़ेगा, आरिफ शेख को क्रीज में टैम देना पड़ेगा, तभी जाके रन बनेगा, तभी जाके नेपाल टीम पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। अगर आप सोचोगे बस जाके मारते रहे आप आउट हो जाओगे, अपना बिलीव करके खेलना, सेल्फ बिलीव करना, अपना फेवरेट क्रिकेट खेलना, आपका जो नेचुरल गेम है उसी से खेलना, तभी जाके आप अच्छा कर पाओगे एशिया कप में। बाकी जो एशिया कप का स्क्वाड का ऐलान किया गया है जबरदस्त है, उसी को आप लोग सपोर्ट करो गाइस, उन्हीं को बैक करो, वही खिलाड़ी आपको मैच जिताएंगे, वही खिलाड़ी आपको खुशी देंगे। आप लोग क्या थॉट है गाइस, आप लोग क्या सोचते हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। आप इस स्क्वाड से खुश हो या कितने खुश हो, कितने ना खुश हो, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।